हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट टू मस्त अच्छी हूँ। और आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन ऑर्गेनाइज टिप्स कि किस तरीके से मैंने अपने छोटे से किचन को कैसे रखा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ, किचन बहुत छोटा मेरा है और अगर किचन छोटा हो तो उसे अच्छे से रखना पड़ता है, अरेंज अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो पूरा फैला फैला रहता है और हमें खाना वाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे भी हमारा सुबह शाम दोपहर जो भी ये टाइम किचन में बीतता है, मेरा क्या सबका बीतता है जितनी भी हाउस वाइफ होती हैं। तो किचन अगर छोटा हो ना तो काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर बिखरा हुआ हो। तो मैंने कोशिश की है अपने किचन को अच्छे से अरेंज करने की, किस तरीके से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ कारण बताइएगा कि क्या कमी मेरे किचन में है ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। तो चलिए दिखाती हूँ अपना किचन ऑर्गेनाइजेशन आपको। तो कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा किचन और ये मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। मेरे किचन में सिंक नहीं है और ये एक रेंटेड हाउस है, मेरा अपना घर नहीं है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से अरेंज करने की, क्योंकि अगर बहुत अच्छे से हम नहीं रखेंगे तो इसमें पूरा किचन फैला फैला सा लगता है और काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसलिए थोड़ा सा ना अरेंज करने के बाद जगह लगता है तो फिर स्पेस जब रहता है ना तो कोई काम अच्छे से हो पाते हैं, नहीं तो फिर कई बार तो सोचना पड़ता है कि खाना बना के कहाँ रखें या सब्जी कहाँ काटें, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सबसे किनारे में प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है एक प्लास्टिक का रैक और रैक के ऊपर मैंने चाकू स्टैंड रखा हुआ है। ये छोटा सा चाकू स्टैंड, चम्मच स्टैंड, जो भी कह लीजिए, मैं इसमें अपने सारे चाकू रखती हूँ और यहाँ पे कैंची रखती हूँ, क्योंकि कोई जी मसाले का कुछ भी आता है मार्केट से हमें काटने के लिए तो फिर चाकू में ढूंढना पड़ता है और यहाँ पर इजली तरीके से मिल जाता है, कहीं भी रात में अंधेरे में भी आओ तो फटाक से मिल जाता है। उसके बाद मैंने चम्मच स्टैंड रखा हुआ है, उसके बाद अपने बच्चों के टिफ़िन रखे हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह इतना जल्दी भागम भाग रहती है ना कि किचन अगर सामने हो तो बहुत ज़्यादा आराम रहता है। मैंने एक पन्नी भी यहाँ पे बिछा रखी है और क्या होता है कि सुबह सुबह के टाइम बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं रहता किसी चीज़ को ढूंढने में, क्योंकि बच्चों के स्कूल बिल्कुल सुबह के रहते हैं, तो जो चीज़ हमें जल्दी चाहिए या बिल्कुल सुबह चाहिए उसे मैं बिल्कुल आँखों के सामने रखती हूँ। और यहाँ पर एक और रैक है जिसमें मैंने ढेर सारे छोटे छोटे मसाले के डिब्बे रखे हैं, इनका यूज कम होता है। और यहाँ पे मैंने एक रैक यहाँ पे स्टैंड मैंने खरीदा है स्टील का, जिसमें कि मैं अपने सारे डेली यूज होने वाले चमचे रखती हूँ, आलू मैसर रखा है, बेलन रखा है, यहाँ पे पूरी छानने वाली रखी है और यहाँ पे मिक्स करने वाला रखा हुआ है। क्या होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज में होता है और सबसे बड़ी बात इसका ये होता है कि बहुत कम जगह में बहुत चीज़ें अच्छे से अरेंज हो जाती है, हमें ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने इसे वहाँ पे रखा है, स्टैंड के बगल में ही रखती हूँ। और देखिए ये स्टैंड मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो इसमें डेली यूज़ वाले मसाले वो हैं जिनका यूज़ मैं कम से कम करती हूँ। और यहाँ पे अजवाइन, जीरा, फिर हींग, मतलब जो चीज़ मैं रखती हूँ अपने मसालदानी में अगर वो एक्स्ट्रा होते तो वो, या फिर जिनका यूज़ बहुत कम होता है, खाने वाला सोडा हुआ, काली मिर्च हुआ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं और इनका यूज़ कम होता है तो मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम जगह में बहुत सारे डिब्बे आ जाते हैं, जिससे कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं लगता है। और ऊपर मैं फॉइल पेपर रखती हूँ जिनका कि लॉकडाउन में कोई यूज़ फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है और ये सुबह के टाइम मुझे टिफ़िन पैक करते हुए चाहिए तो मैं फटाक से आँखों के सामने रहता है मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसी के बगल में ये मेरा ब्लू वाला स्टैंड है, इसे मैंने लोकल मार्केट से 100 रुपये का ख़रीदा था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे लिए है। और इन स्टैंड में ये होता है ना कि अगर हमें किचन साफ़ करना होता है तो हम बस स्टैंड को थोड़ा सा आगे पीछे करके किचन बहुत इजली तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टैंड में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और दोनों स्टैंड पर मैंने इस तरह की पन्नी लगाई हुई है, क्योंकि जब गंदा हो जाता है तो मैं पन्नी साफ़ कर लेती हूँ, मुझे पूरा स्टैंड साफ़ करने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से मेरा चम्मच एक जगह रहता है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे हनी है जिनका ठंडियों में बहुत यूज होता था और ये नमक है, काला नमक है, सलाद वगैरह में मैं मिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खसकाती हूँ पूरा किचन साफ़ करके, फिर मैं वहीं पे अच्छे से रख देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब जब नहीं थी तो मेरा किचन बहुत फैला फैला लगता था, लेकिन इनके होने से ना मेरा किचन मुझे महसूस नहीं होता कि छोटा है। और यहाँ पर ये बास्केट है येलो कलर की, जिसमें मैंने कि तेल के सारे कंटेनर रखे हुए हैं, ये घी है और रिफाइंड है, उसमें रिफाइंड रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑयल चाहे जितने भी अच्छे से रखो ये नीचे टपकता है, तो मैं एक में रख दी हूँ। और इसके नीचे मैंने एक पेपर लगाया है क्योंकि ताकि जब ऑयल जब गिरे तो उसे सोख ले। उसके बाद एक यहाँ पे मैंने एक और बास्केट रखा है
और इसके अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह रखा है, और ये चीनी है। इसके बाद ये काला नमक है सलाद के लिए। और इसमें रखने से क्या होता है कि जब भी चिली सॉस या सोया सॉस टपकता है तो नीचे मैंने पेपर लगा रखा है, उसमें वो सोख लेता है। और ये मेरा पॉलिथीन गंदा नहीं होता, मतलब किचन बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किचन में छोटे छोटे चेंज करने से, थोड़ा थोड़ा सा करने से ना किचन और बहुत यहाँ पे अच्छा हो मैं जाता अपनी सारी कुकर की सीटियाँ इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर के बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो वो पूरा खेल करके बेड के नीचे यहाँ वहाँ गिरा देते हैं। इसलिए मैं कुकर की 3 सीटियाँ मेरे पास है और तीनों मैंने एक एक करके यहाँ पे ऐसे लगा रखा है ताकि ये खोते नहीं है। और क्या होता है ना कि जिनके घर भी बच्चे छोटे होते हैं ना, पूरा इधर उधर फेंक देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्पेशली मैंने यहाँ पे रख दी है। और मेरा बिल्कुल भी नहीं खोता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम थी, हमेशा खो जाता था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक डिब्बा लिया था जो कि इन्वर्टर में पानी डालने के लिए आता है, और इस डिब्बा के पीछे जो होता है ना उसको मैंने पूरा चाकू गर्म करके काट दिया है। और जितने भी मार्केट से पॉलिथीन वगैरह आते हैं सब्जी उब्जी के, फल के, मैं इसमें रखती हूँ, और कभी भी मेरे पॉलिथीन यहाँ से वहाँ नहीं होते, और जब ज़रूरत होती तब फटाक से मिल भी जाते हैं। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। और यहाँ पे मेरा लाइटर रहता है क्योंकि लाइटर बहुत ज़्यादा खोता है, स्पेशली बच्चे होते हैं ना देर से लेके चले जाते हैं, घर में ढूंढते रह जाओ, तो मैंने यहाँ पे लाइटर रखा है। और ये है मेरी मसलदानी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके ऊपर स्माइली बना हुआ है। और ये मसलदानी नहीं था, ये टिफ़िन था, मेरी मसलदानी फट गई थी तो उसकी कटोरी मैंने दूसरी टिफ़िन खरीद करके उसी साइज़ की उसमें कटोरियाँ रख दी हैं, तो अब मेरी नई मसलदानी हो गई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं मसलदानी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से बाकी जो डिब्बे होते हैं ना वो गंदे नहीं होते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है ना कि बार बार हमें कई डिब्बों को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक मसलदानी में उतारा, सारी मसाले वगैरह डाल दिए और बहुत ज़्यादा आराम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाइयाँ वगैरह टांगी हुई है, और यहाँ पे बीटर है, और यहाँ पे एक तौलिया मेरे पास बड़ा था तो दो उसको मैंने दो पार्ट में करके और उसको मैंने यहाँ पे टांग दिया है, हमें हाथ साफ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और छोटे छोटे यहाँ पे हैंकी वगैरह हैं जो कि बर्तन वगैरह साफ करने के काम आते हैं। और मैंने उसके नीचे यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब किचन छोटा है तो बिना स्टैंड के काम नहीं चल पाता है, कई बास्केट में रखो तो पूरा किचन भर जाता था, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली एक स्टील का स्टैंड लिया, प्लास्टिक का नहीं लिया क्योंकि बच्चे मेरे गाड़ी की तरह खेलते हैं इसके साथ, इससे बहुत ज़्यादा आराम रहता है। और उसके बाद ये मेरा स्लैब है, सबसे ऊपर काउंटर टॉप है, और इसके ऊपर मैं मेरा यहाँ पे इस पर टाइल्स वगैरह नहीं बिछी थी और ये बहुत ज़्यादा खुरदुरा था, तो मैं जब भी किचन थोड़ा सा भी खाना बनाती थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, ऐसा लगता था कि मैंने इसे साफ ही नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना खुरदुरा है ये, तो बस इसके ऊपर मैंने ये मैट ला के बिछा दिया है, एक 90 रुपये मीटर मैंने मार्केट से ख़रीदा था 1 मीटर, और मैंने बिछा दिया जिसकी वजह से साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगता है। और मैं काउंटर टॉप को बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे खाली खाली सा अच्छा लगता है, एकदम फ्रिज से लगता है ना किचन बड़ा सा लगता है, अगर भरा रहता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ ऊपर भी मैंने एक पन्नी बिछा रखी है, 30 रुपये मीटर मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, 1 मीटर में मैंने पूरे किचन में बिछा दिए, इससे ये होता है ना कि गंदी होती है तो हम इसे फटाक से साफ़ करके दोबारा लगा देते हैं, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। छोटी छोटी चीज़ों से ना थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करें तो किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, और किचन साफ सुथरा सुंदर हो तो हमारा मन भी खाना बनाने में लगता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा तो हमारा टाइम किचन में ही बीतता है, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो। और यहाँ पे वो डिब्बे जिनका मुझे डेली यूज है, जो दाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ, नमक, दाल, चना, उनको मैं सामने रखती हूँ, और जिनका कम यूज होता है उसे मैं पीछे रखती हूँ। और ये है मेरा बर्तन स्टैंड, फिर यहाँ पर मैंने फिल्टर रखा हुआ है, और फिल्टर पे भी मैंने एक पन्नी बिछा रखी है क्योंकि पानी गिरता था तो ये ख़राब होने का डर था, लकड़ी का है, तो यहाँ पे भी मैंने पन्नी बिछा रखी है जिससे ये खूबसूरत भी लगता है, और पानी आता है तो मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, ख़राब होने का ज़रा सा भी डर नहीं रहता है। और मैंने यहाँ पे पर्दा लगा रखा है क्योंकि मेरा आंगन पूरा खुला हुआ है, तो किचन जस्ट आंगन के बगल में है, तो जब भी आंधी वगैरह आती तो पूरे डिब्बे गंदे हो जाते थे, तो बस मैंने पर्दा लगा दिया जिससे कि मेरे डिब्बे गंदे नहीं होते हैं। और ये मेरा ट्राईपॉड है जो कि अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो किचन में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे दूध का डिब्बा है, सूप है, और ये मेरा बर्तन स्टैंड है। तो बस ज़्यादा किचन देख रहे हैं कितना छोटा सा है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से अरेंज कर सकूं, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर क्या
कैसे करना चाहिए, अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उसे अपने में ला सकूँ और अच्छा मैं अपने किचन को बना सकूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे अब ज़्यादा दिन नहीं रहना है, और यहाँ पे मैंने वाइट पन्नी लगाई हुई है, क्योंकि किचन में जब भी दाल उल बनता था ना तो छींटे पड़ते थे, तो दीवार साफ़ नहीं हो पाती थी क्योंकि टाइल्स नहीं लगी है। तो मैंने यहाँ पर पन्नी लगाई है जो कि बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो एक बार मैं पूरा किचन कुछ इस तरीके से मेरा दिखता है, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और मैं इसमें क्या सुधार करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ये भी मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, और ये है मेरा क्या बोलते हैं स्टैंड है, जबकि मैं कोई खाना वाना बनाती हूँ वो गर्म होता है तो मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ मैट पे, नहीं तो जलने का डर रहता है, तो मैं स्टैंड पे रखती हूँ ताकि मेरा मैट जले नहीं, और ये मैट जल्दी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस कुछ इस तरीके से है मेरा किचन, बताइएगा कैसा लगा। तो ये था मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा किचन टूर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी, वहां से प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए, आपको कैसा लगा मेरा किचन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।